मोटा आदमी कितना ही सुंदर दिखे, कितना ही अच्छा लगे, पर उसकी मेहनत सारी बेकार हो जाती है। उसके अंदर कितनी भी काबिलियत रहे, अगर वो मोटा है तो उसे दुनिया उसके मोटापे से ही पहचानती है। अरे मोटी आ गई, अरे इसका मोटापा तो देख, अरे क्या क्या खाती है पता नहीं, इतनी मोटी क्यों है। खाना कम भी खाएगी तो भी उसको डायलॉग मिलेगा, इतना खाना खाती है कि इतना मोटापा हो रखा है। मतलब मोटापे के लिए इतना सुनना पड़ता है, इतना सुनना पड़ता है। आप भूखे भी रहेंगे, आप सबसे कम भी खाएंगे तो भी ज़्यादा गिनती में आएंगे। खाना कम पड़ गया वो खाली हो गई, कुछ भी मतलब मोटापे के लिए इतना सुनना पड़ता है, इतना सुनना पड़ता है। आप कहीं भी जाएं, क्या हाल बना रखा है अपना, अपना शरीर तो देख। आप कुछ खाने बैठेंगे, कुछ सबको ही खा रहे हैं, कुछ आप भी तुरंत खाने लगेंगे। अरे तुम अपने आप को तो देख पहले, कितना खाए जा रही है, आपको वही ठोक दिया जाएगा। जो जिनको मोटापा है उनको पता है ये तकलीफ़ क्या होती है। ये एक ऐसी तकलीफ है ना, आपके साथ चलती रहती है। वॉकिंग जाएंगे सांस फूलने लग जाता है, नहीं करेंगे तो भी परेशानी, गोड़ा में दर्द, जकड़न, अकड़, हट, बहुत दुनिया भर की परेशानी, और शरीर भारी होते जाता है। जाएंगे बाहर, जैसे ही निकलेंगे सबकी नज़र आपके ऊपर, ओह बड़ा मोटापा आ रहा है। तो मोटा आदमी की तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। मोटापा इंसान को इतना बुरा कर देता है, क्योंकि हमको खुद को पता है कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पीछे कोई भागे तो आप भाग नहीं सकोगे। आपका कहीं का सामान छूट गया ट्रेन में तो, या कहीं पे भी, तो आप सामान ही चला जाएगा, आप दौड़ ही नहीं पाओगे। इतना बुरा हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है, क्या बताएं। नौकरानी नहीं आए बैंड बज जाती है। थोड़ा सा कुछ भी कर लेते हैं हिम्मत हार जाते हैं, थकान होने लगती है। तो मोटापा का तो बहुत बुरा हाल है दोस्तों जी। मैं तो कहती हूँ जिसके मोटापा आना शुरू हो वहीं पे ही शीत लग जाओ, क्योंकि बाद में जो हालत होती है ना बहुत बुरी हालत होती है। अभी मैं वॉकिंग पे भी जा रही हूँ, पर कब भगवान मेरे पर फिदा होगा, कब थोड़ा पतलापन लाएगा। खाने पे कंट्रोल करते हैं, 6 रोटी टोटल खाते हैं पूरे दिन में, अब 4 पे आ गए। धीरे धीरे लगता है वो भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मोटापा तो कम ही नहीं हो रहा, कमजोरी न्यारी आ जाती है शरीर में। जो बहनें मोटी हैं उनको पता है क्या हालत होती है, नहीं खाते हुए भी हमेशा दूसरे ताने खाने पड़ते हैं। खाना तो दूर की बात, तानों से ही पेट भरा रहता है। कुछ भी कपड़े अच्छे पहनो, कितना भी भारी साड़ी, कितनी अच्छी ड्रेस पहन लो, आपके ऊपर जचेगी नहीं। कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी सुंदरता दिखा लो, सब सुंदरता ख़त्म हो जाती है। तो भाइयों बहन बहनों मोटापे पे ध्यान जरूर दो। मैं खुद भी अब दे रही हूँ बहुत बुरी, बड़ी एज में आकर के ये अक्ल दिमाग में आई, पहले आ जाती तो शायद हम भी कुछ और होते। कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे, फिर कभी तो पतले होंगे ही, जज्बा रखेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे। टूटी देख रहे क्या सब निकल के बाहर आ रही है, देखिए क्या हालत हो रखी है। मोटापा तो बहुत दुखी कर दिया। मोटे आदमी को तो ना तो सम्मान मिलता है ना कुछ, और गाली गलौज न्यारे बोलते हैं, सर पाडो रखिए खा पी करके, इतनी मोटी क्या खावा पर तो को नहीं, जबकि सबको पता वही दाल रोटी चावल खाते हैं, पर सुनना पड़ता है पता नहीं क्या क्या खाती है, इतनी मोटी हो रखी।
बहुत बुरा हाल है। तो आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि भाई कमेंट मत करा करो, बहुत तकलीफ होती है सीने में, दिल दुखता है। मोटापे की तो तारीफ तो नहीं मिलेगी, हमको भी पता है, पर अब है तो क्या कर सकते हैं। तो आप लोग जो पतले हैं, आप लोग का सौभाग्य है कि आपका शरीर आपका साथ दे रहा है। हर किसी का शरीर उसका साथ नहीं देता, कुछ भी नहीं खाते हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से कम खाते हैं जो पतले हैं, आठ आठ रोटी खा जाते हैं, दिखाई भी नहीं देता कौन से कोने में दब गई। और यहाँ दो रोटी भी खा लेते हैं तो फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, पेट तो ऐसे फूल जाता जैसे मटका लगा के घूम रहे हैं। पानी भी पीते हैं, चावल तो छोड़ ही देते हैं डर के मारे, फिर भी बुरा हाल। आइसक्रीम उइसक्रीम ये सब खा ले तो सांस ऐसे फूलता है जैसे पता नहीं कितनी हवा भर दिया हो कोई। और आप लोग कितने मस्त से आराम से कुल्फी खा लो, घूम लो फिर लो, हर चीज़ का आनंद लेते हो। पतला आदमी तो बहुत सुखी है, मोटापे वाले से पूछिए, ना खा के भी ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत बुरा हाल है मोटे आदमी का। तो बहनों मोटे मत होना, पहले ही कुछ कर लो। बचपन में हम भी नहीं थे, पर पता नहीं था ये मोटापे का रोग इतना फैल जाएगा। आज तो सोच के भी डर लगता है, पुरानी फोटोओं को देखते हैं तो लगता ही नहीं कि ये हम नहीं हैं, इतने फूल गए। डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी का पूछ बताते हैं, पहली शक्ल देखते ही बोलते हैं, पहले अपना मोटापा तो ठीक कर, बाद में कोई दूसरी बीमारी के बारे में बात करता है, बात ही नहीं करना चाहता, बोलते सारी बीमारी इसी से आई है, पहले इसी को ठीक कर, उसके बाद जा कर के दूसरा इलाज करना। तो भाई मोटे आदमी का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है, हर कोने में अपमान, घर में तो सुने जो सुने, बाहर वालों से भी सुनना पड़ता है, मोटी आई है भला, अरे वो मोटी नहीं है क्या, अरे वो जो उसकी पतली सी, पतला आदमी को नहीं बोलेगा, पतले को तो अच्छी तारीफ करेगा, कितनी सुंदर है, मोटा आदमी को, अरे वो मोटी है ना, उसका है, आपका नाम तो कहीं गुम ही हो जाएगा, आपको मोटापे से ही बात करी जाएगी, मोटी भाभी, अरे मोटी दीदी, अरे वो मोटकी है ना, ऐसे बात करते हैं आपके। इसलिए हे बहनों, मोटापा से तो बहुत बुरा हाल है, पहले अपने आप को सबसे पहले अपना मोटापा को ठीक करो, क्योंकि हम फंस गए हैं इस मोटापे में, करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते, दो चार दिन जोश आता है फिर वापस कम हो जाता है, सारी सुंदरता ख़त्म हो जाती है मोटापे के अंदर। पहले हमें भी हूर की परी बोला जाता था, पर आज मोटकी बोलते हैं, क्या करें, बहुत दुखी है। आप लोग भी अपना मोटापा को ठीक कर लो समय से पहले, देखते हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब कामयाब होंगे। तो आप लोग अपना मोटापा मत छोड़ी को आगे बढ़ने ही मत देना, पहले ही उस पर कंट्रोल करो, जैसे ही लगे कि आप मोटे हो रहे हैं तुरंत अपने आप पे कंट्रोल करो, क्योंकि एक बार जब आप फैल जाओगे ना तब तो आपको मोटापा निकालना बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं वो हाल, मेरा हो रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मोटापा बहुत बुरा चीज़ है, आदमी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देता है ये मोटापा। तो पहले मोटापे को ठीक करो, चाहे कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लो आपके ऊपर उपेगा ही नहीं, पेट न्यारा निकल के एकदम बाहर गुब्बारे की तरह दिखाई देता है, हाथ पैरों में दर्द जकड़न, बहुत बुरा हाल है यार, मोटापा तो बहुत बेकार चीज़ है, मोटापे पे जरूर कंट्रोल करो, मैं भी कर रही हूँ,
क्योंकि मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। जो लोग पहले ही नए नए मोटापे में आ रही है, पहले ही कंट्रोल कर लो, बहुत बुरा हाल है।